नमस्कार, घर संसार में आपका स्वागत है। किस व्यक्ति के लिए सारा संसार ही शून्य होता है? आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस घर में संतान नहीं है उस माता पिता के लिए दुनिया शून्य होती है, क्योंकि संतान की कामना है बहुत ही, संतान की कामना हर एक माँ बाप का, संत माँ पिता का एक ये होता है, कामना होती है कि हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो, हमें एक पुत्र हो जिससे कि हमारी अवस्था नीचे आने के बाद हम उस पे निर्भर रह सकें, उस पे अपना सुख दुख प्रकट कर सकते हैं। दूसरा जो है, जिस व्यक्ति का कोई बंधु बांधव नहीं होता वह दसों दिशाओं से शून्य होता है। बंधुओं जिसका कोई अपना नहीं है, कोई बंधु बांधव नहीं है, कोई सखा सहोदर नहीं है, वह व्यक्ति किसके पास अपनी व्यथा को निरूपित करेगा, किसके पास अपनी व्यथा को प्रकट करेगा और वह संवेदना को किसके पास बांटेगा? तो वह उसके लिए दसों दिशाएं शून्य होती है। मूर्ख व्यक्तियों के का हृदय जो होता है शून्य होता है, इसके लिए उसके लिए तो सारी दुनिया ही शून्य होती है। लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार जो है, जो गरीब है, जो दरिद्र है, जो दीनहीन है, उसके लिए सारी दुनिया शून्य होती है, क्योंकि दरिद्रता जो है सभी पापों की जड़ होती है और गरीबी ही सारे पापों के मूल में होता है। उस व्यक्ति के लिए दरिद्रता सबसे बड़ा अभिशाप होता है और उस व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया है उसके लिए शून्य प्रतीत होती है, क्योंकि दरिद्रता की स्थिति में वह किसी से कुछ कह नहीं सकता है, या ना ही कोई उस पे उसके बारे में सोच सकता है, या ना उसके बारे में कोई विचार विमर्श कर सकता है। इसलिए दरिद्र व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया ही, पूरा संसार ही शून्य होता है। बंधुओं, इस तरह से आचार्य चाणक्य ने जीवन दर्शन के बारे में बहुत ही मार्मिक बातें कही है। बंधुओं, अगर आपके और आपको भी कुछ इस तरह की जिज्ञासु प्रश्न अगर आपके पास है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख भेजेंगे। आपकी समस्याएं अगर कुछ हैं तो उस समस्याओं को लिख भेजेंगे और हमारे संस्था के द्वारा, विद्वान जनों के द्वारा आपकी समस्याओं पे धार्मिक, जो आपके लिए धार्मिक चीजें हैं, चाहे वास्तु एवं ज्योतिष से संबंधित हैं, तो उस पे आपको पहले आपके समस्याओं पे पहलू पे विचार करने के लिए देते हैं और इस पे विचार करेंगे। लाइव में बात करने के लिए चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।